तस्वीर जो है गांव शेखपुरा गन्नौर का गांव है और ये देख सको जन समर्थन जो देवेंद्र कादियान में मिलने लग रहा है लगातार। देख सको आप लोग माताएं जो है देवेंद्र कादियान में मिले हैं और आशीर्वाद देने लग रही है। बड़े बुजुर्ग जो भी है देवेंद्र कादियान में मिले हैं और देवेंद्र कादियान ने फूलमाला पहना के सम्मानित करवा रहे। देख लेता है देवेंद्र देख लो जो प्यार जो है देवेंद्र का ध्यान में फिलहाल मिलता है नजर आने लग रहा है और देवेंद्र भी हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहा है। भाई भाई भाई, 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 भाई। अच्छा किस हाल चाल है? एक नंबर भाई गति एक नंबर। छोटा गांव है लेकिन भीड़ ठाटी छोटा गांव भीड़ ठाटी भाई लोगों का प्यार है भाई के प्रति जलता बना रखे है लोगों ने। तो ये देख लो मेरा के है समाज सेवा देश का लेकिन कितना कितना ना कितने देवेंद्र और जबरदस्त करा। और फिलहाल ये तस्वीरें जो है एक बार कैमरा पीछे करके दिखाना चाहूंगा तस्वीरें जो है आप लोग देख लो देवेंद्र का ज्ञान फिलहाल तस्वीरों में आपने नजर आऊंगा देवेंद्र का ज्ञान। और हर घर में हर माता है आशीर्वाद लेते हुए देवेंद्र का ज्ञान आपने नजर भी आऊंगे भाई। देवेंद्र जी कैसा जन समर्थन मिल रहा है कैसा जन समर्थन मिल रहा है गन्नौर? देखिए ये गन्नौर का जो चुनाव यहाँ चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन हो रहा है उनके बेटे के साथ जो पार्टियों ने न्याय किया उसके खिलाफ आंदोलन है। भाई पूरा सहयोग जो है जनता का मिलने लग रहा है आप लोग देख सको हो देवेंद्र का जन में। और देवेंद्र जी भाई हम पी लेंगे देवेंद्र जी ना देवेंद्र जी टिकट कटी है कितने ना कितने दुख तो सबका है लेकिन आप तो ज्यादा दुख मैंने जनता के दिखा है। यस जनता को सबसे ज्यादा दर्द हुआ जो नौजवान 10 साल मेहनत करी है आपने 10 साल तो यदि टोटल कांग्रेस और बीजेपी के मिला के 17 साल बिल्कुल 17 साल मेहनत की है और ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का दुश्मन है जिसने कांग्रेस के नेता को हराया सबसे बड़े नेता को दूसरा बीजेपी पार्टी का दुश्मन है जिसने बीजेपी पार्टी के नेताओं को हराया। बिल्कुल मैं चुनावी गलियारा में जब घूमा हूँ मैंने एक बात मेरा पार्टी है टिकट लेनी थी एमपी की मिल गई एमएलए की 100 करोड़ गए थे एमपी की टिकट के आपकी हंसी हाँ बताओ हरी इस बात की। देखो ये बात आप और मैं नहीं करे ये बात यही करे यही करे यही करे। अच्छा आप लोग बताओ आप सो में कितने अंक दोगे गन्नौर की जनता ने जितना समर्थन आपने देने लग रहे? मैं आपको बता रहा हूँ 8 तारीख को हरियाणा की सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला कैंडिडेट देवेंद्र का जन्म। चलो मिलो एक बार मिलते रहो आप क्योंकि हम बात भी करते रहेंगे देवेंद्र जी तक और काफी जबरदस्त जन सहयोग अगर मैं बात करूँ तो मिलने लग रहा है। और देख सको आप लोग एक एक व्यक्ति थे फिलहाल भाई साहब राम 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 भाई कौन सा गाँव है? शेखपुरा गाँव शेखपुरा है। अच्छा सही बताइए फिलहाल देवेंद्र भीतर है लेकिन माहौल की सा इस गाँव में देवेंद्र माहौल 80% वोट देवेंद्र का जन ही है। क्यों क्यों 10% में बीजेपी 10% में कांग्रेस का। अच्छा चलो भाई साहब मैंने शेखपुरा लोग बात करी है मैं क्या माहौल है भाई सही बताइयो 80% वोट देवेंद्र का जन की है। यो प्यार है ये देख लो यो प्यार है कि बुजुर्ग भी अपने काम ध्यान पे देवेंद्र का ध्यान ले हैं। और आगे जो तो सिर्फ वहाँ भीड़ थी जो देवेंद्र का ध्यान की अगर भाई भीड़ ले गाँव है सिलेंडर का चुनाव चिन्ह है 9 नंबर में आपका के कुछ कारण कमेंट करते रही हो। और फिलहाल जनसभा दिखाऊंगा तो बड़े नेता से होंगे जब होती होगी जनसभा लेकिन देवेंद्र अकेला ही देखो भीड़ जबरदस्त भीड़ और भीड़ नहीं होती तरह जन समर्थन लोगों का नजर आने लग रहा है तस्वीर जो है आप लोग देखने लग रहे हैं तस्वीरों के और देवेंद्र का जन को पहुँचाने की तैयारी जो है वो चल रही है फिलहाल लाइव देवेंद्र का जन कंधा पर लोग उठा लाए हैं और युवा चेहरा गन्नौर का आया है हो। फिलहाल चौपाल का प्रोग्राम है और चौपाल में फिलहाल देवेंद्र का जन पहुंचे हैं महिलाओं में कितनी खुशी है देख सको हो
महिलाओं में कितनी खुशियां खड़ी होगी देवेंद्र कादियान के हाथ लुबेरा पार्टी के देवेंद्र उड़ा लिया जिसका सिलेंडर का चुनाव चिन्ह है वो प्रेरण आ लिया और कन्नौर में एक तरफा माहौल देवेंद्र कादियान का इसीलिए कहा जाओ कहीं ना कहीं कि महिलाएं भी खुश होगी तो किन के लिए भी बहुत कुछ देवेंद्र कादियान ने जो है कराया है। देख एक बार जन समर्थन दिखा दे, जन समर्थन दिखाते रहो साथ साथ, जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफा देवेंद्र कादियान। भाई साहब एक आखिरी सवाल पूछा क्योंकि आप आपकी वेट जनता करने लग रही है, पूछ लो किसा फील हो इतना जन समर्थन देख के? मुझे गर्व फील होता है, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ और मुझे इस बात की खुशी है मैं 36 बिरादरी का बेटा हूँ। मतलब जी राज्य हो जितनी मेहनत करो हो, मैं देख तड़के का भी गेल हूँ, आपने शायद नहीं पता होगा माँ जब गिरे की कह लो करण लाग रहा हूँ, 6 बजे तो लाग रहे हो, फिलहाल 5:30 का टाइम हो लिया है, 8-10 गांव आपने कर लिए चाय पानी के, फिलहाल जनसभा पहल ली है आपकी, इतनी मेहनत क्यों कर पॉसिबल है? देखिए ये जो आशीर्वाद है इस मातृशक्ति का हमारे काका ताऊ दादाओं का, उससे ताकत आती है और भाई नुको धोना किसा महसूस हुआ, छीड़ा छीड़ा महसूस हुआ भीतर तक। फिलहाल प्रेम स्टेज है देवेंद्र कादियान जी और ये देख एक तरफा देंगे दोनों ने सुनिए 80% वोट कन्नौर में देवेंद्र की है भाई की है गति एक तरफा 20 पे हम है एक लाठी में दोनों पूछ लो सही आदमी ना लो छह। चलो फिलहाल हाँ भाई देवेंद्र का क्या माहौल है? सही बढ़िया भाई, सबसे बढ़िया देवेंद्र का है, एक तरफ ही जिताएंगे क्यों है क्यों है एक तरफा जितने काम हमें नहीं कर सका बिना मैं लेकर दिया और क्या ले भाई इससे बड़े पीछे तो और बढ़िया सबसे बड़ा कन्नौर का नाम होगा इस हल्के में, सबसे बड़ा कन्नौर का नाम होगा रतनदीर बना देगा भाई। अच्छा चलो फिलहाल आपका क्या कुछ कहना इस मामले पे आप लोग बता दियो, लेकिन फिलहाल देवेंद्र का ध्यान लगातार लोगों के बीच में है, पैदल आओ नेता की तरिया भाई गाड़ी में पहुंचा है नहीं गांव की फिरनी पे उतर लिया पैदल आवे है काकी दाई बुलावे है अच्छा वे बुलाओ है अच्छा 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 एक आगे बढ़ो नो बताओ देवेंद्र जीत जाएगा जीतेगा भाई जीतेगा 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 अंगा लाओगे गति जीतेगा। अच्छा कितनी वोट करवा दोगे एक तरफा माहौल करवा दोगे बीजेपी ने गलत कराया छोरे टिकट कितना बीजेपी ने कितने के लोग है। अच्छा ठोक कब आओगे शेखपुरा? चलो धन्यवाद, फिलहाल वीडियो शेयर कर दो भाई और फिलहाल देवेंद्र जी का जो जन समर्थन है वो आपने देखा है, बातचीत फिलहाल चलेगी और आपका क्या कहना है वो कमेंट कर बता दियो और राम राम देवेंद्र ने एम्बुलेंस वगैरह चलवा रखी है साची चलवा रखी भाई इतनी बात सुनिए समाज सेवा करा है पक्का पक्का करा है। अच्छा तुम ना पार बीजेपी का तुम ना पार जाएगी। अच्छा हाँ भी टूटे पड़े हैं सारे रोड भी देवेंद्र का ध्यान नहीं बनवाए है। रक्षा भी छोड़ रखी रक्षा भी छोड़ रखी एम्बुलेंस भी छोड़ रखी बहुत सेवा कर रखी है लोगों के तो उनका अगर बोला भाई सेवा शाम ही आएगी और सेवा कितना कितनी शाम आने लग गई। राम राम जय जवाहर जय जवान जय किसान जय भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद।